नाम दिया गया है, तो उसी क्रम में ये परसोहल गांव भी उसी गांव में आता है लिस्ट में। तो आज हम उस गांव को पहुंचे हैं और वहां की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहां क्या व्यवस्था चल रही है। तो देखिए, मैं साइड में दूसरी तरफ आपको दिखा रहा हूं, या देखिए जो सड़क के किनारे मूंजा लगे थे, देखिए यहां पर ये मूंजे में गांठ बांध करके और इसको जो है अलग किया गया है। और मैं कैमरामैन चौका थोड़ा पीछे जाए वो, और आप देख लीजिए ये रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता जो है जर्मन रोड से ये सीधे गांव के अंदर जाती है। और उसके बाद मैं आगे और चल रहा हूँ, जो यहाँ रोडें गड़बड़ थी, देखिए वो रोडें की मरम्मत की गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वैसे लग रहा है कि मरम्मत मुकम्मल सही नहीं किया गया है, क्योंकि ये गिट्टियां भी उखड़ रही है। वैसे किसी तरीके से काम चलाया गया लग रहा है, लेकिन ये भी कि मुख्यमंत्री की आने की वजह से जो रोड के रास्ते गड़बड़ थे उनको यहाँ ठीक किया जा रहा है। और सड़क के दोनों तरफ यहाँ सफाई विशेष रूप से की गई है। पूरे गांव को चमकाने है, खतरे में है जान, कुछ लोग अब साफ नहीं, जन जन का पाप नहीं, ये यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं। और बहुत तेजी के साथ मुख्यमंत्री के आने से परसोहल गांव में बहुत तेजी से काम चल रहा है, साफ सफाई पोताई ये बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए जो है अब हम एनएम सेंटर से थोड़ा बाहर आ गए हैं, जो एनएम सेंटर बना हुआ था उससे बाहर आए हैं, और यहाँ पर जो परसोहल की रोड है जो जोतौरा को जोड़ती है, जो सड़क है वहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ कम से कम एक दर्जन जो यहाँ सफाई कर्मी है, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, ये बहुत तेजी के साथ यहाँ जंगल काट रहे हैं। मैं कैमरामैन की तरफ थोड़ा आ जाए आगे, और आप देखिए यहाँ जो काम चल रहा है, गाँव की पूरी तरीके से सफाई हो रही है यहाँ पर। और जो है मेरे पीछे देखिए, यहाँ जो जंगल लगा हुआ था, ये नेरकुल लगा था, इसको भी तेजी के साथ यहाँ काटा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई बार बता चुके हैं कि हम कई बार बताया भी हमने है कि सूबे के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ का आगमन होने की संभावना है। बहुत तेजी के साथ परसोहल में साफ सफाई हो रही है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। यहाँ देखिए ये नाली का निर्माण भी, जो जहाँ नाली टूटी फूटी पड़ी हुई थी उन नालियों का निर्माण भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और अब हमारे बीच में जो प्रधान जी है, हम इनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी पूरा नाम जानना चाहेंगे। प्रधान पर तो ये बताइए, क्या योगी जी आपके गांव में, योगी जी आने की संभावना है, काम में करा रहे हैं। तो नहीं, काम में और क्या क्या करवा चुके, जैसे नाली तो आप क्या बन रही है, सफाई तो आप करवा चुके, मैंने देखा भी उधर पीछे हिस्से में, लेकिन अभी भूख कुछ लगे हुए हैं, उनको हटवाइए थोड़ा, अभी भूख जो है सड़क के किनारे लगे हुए हैं, हल्के फुल्के हैं, उनको और पीछे कराइए, क्योंकि स्वच्छता देखिए भारतीय जो है जनता पार्टी का मिशन है, स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है, इनको गांव की स्वच्छता पे विशेष जो है सरकार द्वारा ये जो है जानकारी भी दी जा रही है। तो जो है सफाई तो चल रहा, लेकिन कुछ अभी एक आध भूर जो है वो लगे हुए हैं, उनको हटाने का प्रधान जी जैसे बताएं, उनको प्रयास भी किया जा रहा है। और यहाँ जो नाली उसका भी निर्माण किया जाए, तो प्रधान जी और जो है जैसे आपके यहाँ जो सचिवालय बना हुआ है उसकी क्या व्यवस्था है, अभी और बताइए, और जो अस्पताल आपका छोटा सा नहीं बना उसकी क्या व्यवस्था है, और जो आपके यहाँ स्कूल बना हुआ उसकी क्या व्यवस्था है, और कोई दिक्कत? जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि गांव में जो दिक्कतें थी उनको बहुत तेजी के साथ दूर की जा रही है, क्योंकि जो है सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस गांव के अंदर, संभावना है कि हो सकता है कि वो काम बहुत तेजी के साथ यहां पूरा किया जा रहा है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। और जो है जैसा कि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है, तो यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है ग्राम विकास अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वीडियो भी है जैसा कि यहाँ आए हैं, और ये स्कूल का जो है शौचालय बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब विद्यालय के प्रांगण के हम अंदर मौजूद हैं यहाँ पर, और ये जनपद का जो है एकलौता विद्यालय, यहाँ चयनित किया हुआ विद्यालय है, आदर्श विद्यालय है ये परसोहल में पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं जो परसोहल जो है वो जरवल विकास खंड के अंतर्गत आता है, और यहाँ विद्यालय के अंदर हम हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की सूचना मिलते ही हम लोग में काफी हर्षोल्लास है। मैं स्वयं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे विद्यालय में आगमन हो, और जाहिर सी बात है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विद्यालय आएंगे तो कुछ न कुछ सौगात हम अपेक्षा करते हैं। नहीं, ये बताइए जैसे विद्यालय में जो है और क्या क्या किया गया है? देखिए, विद्यालय में समस्याएं का अंत कभी नहीं होता है, निरंतर प्रयास करने के बाद आप देख रहे हैं कि काफी सुधार करने का प्रयास हमारे युवाओं के भी अध्यापक श्री आशीष जी हैं और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक ने, दोनों ने मिलकर के काफी अहम प्रयास किया और इसको सुंदर बनाने का प्रयास किया। अभी तो हमारे जो मूल भवन पहले से पुराने मंदिर थे वो काफी उनकी हालत ठीक नहीं है, वो मरम्मत के लिए विशेषकर उनकी खर्च जो है वो काफी मरम्मत की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभिषेक भी शासन पर जाकर हमारे विद्यालय के भी पुराने बिल्डिंग से
क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत सुंदर अंदर की जो हम लोग देखते हैं तो जो है क्या जनपद में चयनित किया हुआ विद्यालय भी है क्या है? जी, पिछले वर्ष इस विद्यालय को जनपद का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया था और उससे जो राशि प्राप्त हुई थी उससे इस विद्यालय में तमाम डेवलपमेंट के काम माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बताया है। लेकिन ये कि वो राशि बहुत न्यून है और इसके व्यवस्था के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। हमारे पास जो प्राथमिक विद्यालय के चार जो एसीआर हैं, अति कक्षा कक्ष हैं, जो काफ़ी पहले के बने हैं और उनकी फर्श काफ़ी जर्जर अवस्था है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि शासन किसी को इसको धन्यवाद। देखिए, विद्यालय की फर्श की जो है इन्होंने बात की है कि विद्यालय की फर्श अभी गड़बड़ है, उस फर्शों की मरम्मत करवा दी जाए या तो उनको नए सिरे से बनवा दी जाए। प्रेस इंडिया से अशोक छोटे अनावा एशिया न्यूज।